जिसका जितना अगल बगल मंत्री है, ये सब लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को नाम गिराने के लिए, नाम डुबाने के लिए, बदनाम करने के लिए, अपमानित करने के लिए, उनको परेशान करने के लिए ये लोग तरह तरह के काम करते रहते हैं। गरीब नहीं भी शराब पीता है तब पर भी उसको जबरदस्ती पकड़ के जेल भेजता है, और अशोक चौधरी जैसन जैसन मंत्री का शराब के साथ फोटो भी वायरल होता है तो उस पर सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है। बिहार में शराबबंदी है और नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है कि बिहार में शराब नहीं पीने देंगे, लेकिन बिहार सरकार के मंत्री के जब सामने शराब की बोतल रखी जाती है तो आप सोच सकते हैं कि जो शपथ लेते हैं लोग कि बिहार में जो है गरीब के जो बच्चे हैं, गरीब के जो ठेला बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले, फल बेचने वाले जो लोग शराब पी करके घर परिवार बर्बाद होता था, उनके लिए शराबबंदी किया गया, लेकिन मंत्री जी लोग के सामने अब जो है शराब की बोतल है। क्या वो लोग जो है नीतीश कुमार के काम को नहीं मानते हैं, नीतीश कुमार के प्रोजेक्ट को नहीं मानते? हम सीधे सीधे बात करेंगे आरजेडी के विधायक है रामरिक सदा जी, जिस तरीके से अशोक चौधरी के सामने जो शराब की बोतल है, क्या संकेत देता है ये नीतीश कुमार का तो प्रोजेक्ट है? बहुत 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 धन्यवाद। आप देखे होंगे कि बिच्छू जब बच्चा पैदा करता है ना तो बिच्छू एक पीठ पर बैठ के आप बिच्छू को खा के मार देता है, वही इनका सब मंत्री है। इसका जितना अगल बगल मंत्री है, ये सब लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को नाम गिराने के लिए, नाम डुबाने के लिए, बदनाम करने के लिए, अपमानित करने के लिए, उनको परेशान करने के लिए ये लोग तरह तरह के काम करते रहते हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री जी क्रिया खिलाए थे ना, शपथ जिसको आप लोग कहते हैं ठेठी में, उसको हम लोग क्रिया कहते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी क्रिया खिलाए थे, जदयू वाला को वो शर्म नहीं है, थूक फेंक देता है फिर चाट लेता है, क्रिया खा लिया फिर शराब आगू में रखा हुआ है। ये लोग के कोई वजूद है, कोई बात है? ये लोग थूक फेंक के चाटने वाले लोग हैं। हालांकि वो तो विदेश में है, विदेश रहे देश रहे, दारू सब जगह बंद है। जब आप क्रिया खा लिए कि हम दारू में हाथ नहीं लगाएंगे तो विदेश क्या देश किया? अब विदेश में नीतीश कुमार के साथ हुआ नहीं जाता है तो इसका मतलब नीतीश कुमार जी के जोरे दारू पीता है। वह मुख्यमंत्री के साथ रहने वाला लोग अगर इस ढंग का बात करे तो आप बच किया गया बिहार में? बिहार में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। गरीब नहीं भी शराब पीता है तब पर भी उसको जबरदस्ती पकड़ के जेल भेजता है, और अशोक चौधरी जैसन जैसन मंत्री का शराब के साथ फोटो भी वायरल होता है तो उस पर सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है। ये सरकार का बिहार में जो है दोहरा नीति दर्शाता है, गरीब जो है गरीब को मारो पीटो, उसको जेल में बंद करो, और अमीर लोगों को शराब पीने के लिए फ्री छोड़ो, जिसका जीता जागता उदाहरण मंत्री अशोक चौधरी है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि अगर आप में हिम्मत है तो आप उसको बर्खास्त कीजिए, और शराब अधिनियम अधिनियस्त के तहत आपका जो कानून है उनके तहत अशोक चौधरी को जेल भेजिए। आप मानते हैं जीतन राम मांझी भी बोलते रहते हैं समीक्षा होनी चाहिए, चौथी बार समीक्षा होनी शराबबंदी को लेकर? एकदम होनी चाहिए, मांझी जी बोलते हैं सही बोलते हैं, उन्होंने मांझी जी ये भी बोलते हैं कि मुख्यमंत्री जी के जो अगल बगल में रहते हैं वही शराब पीते हैं, वही बेचवाते हैं, और इस बात को आज अशोक चौधरी साबित कर दिया कि जो बिहार के लोग बोलते हैं, जो मांझी जी बोलते हैं वह सच है। अशोक चौधरी ही बिहार में शराब माफिया है और बिहार के लोगों को शराब पिला के मारने काम कर रहा है। महात्मा गांधी का विचार था कि शराबबंदी होना चाहिए, लेकिन एक तस्वीर है, उस तस्वीर को लेकर के कल महात्मा गांधी का जयंती भी है, 2 अक्टूबर है, और प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि शराब खुलवा देंगे, कल पार्टी की लॉन्चिंग हो रही उनकी। क्या आप हर हमेशा प्रशांत पांडे, प्रशांत पांडे इतना मीडिया के पीछा पैसा खर्च कर दिया कि क्या है प्रशांत पांडे, क्या है उसके बारे में आप पूछते हो? क्या है? मुखिया है, वार्ड सदस्य है, एमपी है, मंत्री है, प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, क्या है प्रशांत किशोर? शराब की चर्चा नहीं, प्रशांत किशोर आखिर है क्या कि आप लोग इतना चर्चा करते हैं? अभी उसका राजनीतिक में बिहार में जन्म भी नहीं हुआ है, और जब राजनीतिक में बिहार में जन्म होता है तो 6 साल के बाद ओकर छठियारे होता है, कल इसका पार्टी का जन्म होगा ना तो 6 साल बीत जाएगा तहिया छठियारे होगा, ओकर बाद अपन पार्टी के विधायक IMP के लिए सोचेगा। पोस्टर है गांधी जी के विचार पे कह रहे चलने का, गांधी जी का विचार था कि शराबबंदी होना चाहिए, लोगों को शराब नहीं पीना चाहिए। लालची लोग किसी का विचार मानता है? ये प्रशांत पांडे लालची है, किसी का विचार नहीं मानेगा, ये फायदा का विचार मानता है। जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिन पर ये शराब खोलवाने की बात कर रहा है और जन स्वराज ये पार्टी बना रहा है, तो ये बुझिए ये महात्मा गांधी के सपना को शराब में कल डुबाएगा, यही इसका काम है।
तो आपने सुना किस तरीके से आरजेडी के विधायक है रामवृक्ष सदा ने साफ साफ कह दिया कि जब नीतीश कुमार के साथ रहने वाले लोग इस तरीके का काम करेंगे तो सोचिए बिहार की जनता क्या सोचेगी उनके बारे में। वही प्रशांत किशोर को लेकर के उन्होंने साफ साफ कहा, जो लोग महात्मा गांधी का एक तरीके से ढोंग करते हैं उनके विचारों पर चलने का और कल पार्टी का लॉन्चिंग कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सोचने का विषय है ये कि आखिर में महात्मा गांधी का विचार क्या था और आज लोग क्या कर रहे हैं। तो ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहें।